बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू फूड बैंक विद मीनाहा। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार हेल्दी क्रंची क्रिस्पी पालक की मठरियाँ। ये इवनिंग टी और रमज़ान में इफ्तारी में बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप इन्हें बनाकर 2 से 3 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 250 ग्राम पालक ली है। इसकी डंडियाँ उतार कर सिर्फ पत्ते लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और ये मैंने पालक को 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसे बारीक बारीक काट लेंगे। जितना बारीक काटेंगे आपको सिल पर इसे पीसना नहीं पड़ेगा। तो ये देखें, ये मैंने इसको इतना बारीक काटा है। अब इसे एक बाउल में डाल देते हैं। इनको क्रंची और क्रिस्पी कैसे बनाएंगे देखने के लिए वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें। अब पालक को फ्राई कर लेंगे। एक पैन में 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालकर हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। 1 मिनट के बाद पालक डाल देंगे। ये जल्द ही सिकुड़ जाएगी। 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो ये देखें, पालक सिकुड़ गई है। अब फ्लेम ऑफ करके इसे एक बाउल में डाल देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब डो तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में 1 कप मैदा लें और 1/4 कप सूजी डाल दें। 1 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पेपरिका, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 2 टेबल स्पून तिल। इससे खूबसूरत लगेंगी। 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब इसमें फ्राई की हुई पालक डाल देते हैं। चम्मच से इन सब को मिक्स करेंगे। अब हाथ से इसे अच्छी तरह से मसल लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर डो बना लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून पानी जाएगा। इसे नरम नहीं करना, सख्त डो बनानी है। माय व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मुझे इसमें सब्ज़ धनिया की पेस्ट डालनी याद नहीं थी। 1 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया सिल पर क्रश करके या फिर पेस्ट बनाकर डाल दें। आप इसे पालक के साथ भी डाल सकते हैं। इस दौरान अगर डो पतली लगे तो 1 टेबल स्पून मैदा मज़ीद डाल दें। मुझे इसमें मैदा डालने की ज़रूरत नहीं लग रही। तो ये देखें, इसे इतना सख्त रखना है। अब 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। एक दूसरे बाउल में 2 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून देसी घी मेल्ट करके डाल देंगे। आप घी कोई भी डाल सकते हैं। चम्मच से मिक्स करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। इसकी फाइन पेस्ट बनाएंगे। इसे स्मूथ रखेंगे, इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखें, ये इस तरह से इसकी पेस्ट बनेगी। डो को 15 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। तो ये देखें, ये सेट हो चुकी है। अब हाथ पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। अब हाथ में पकड़कर इसे सरफेस पर रखकर इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब इसके 3 पेड़े बना लें। पेड़े बनाकर पहले ही प्लेट में रख लें और फिर इसे बेलकर चपाती की तरह बारीक रोटियां बेल लेंगे। अब सरफेस पर थोड़ा सा आटा डस्ट करके एक पेड़ा रखकर इसकी पतली सी रोटी बेल लेंगे। चपाती की तरह जितनी भी बारीक हो सके इसे बारीक कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से बारीक रोटियां बनानी हैं। पहले तीनों रोटियां बेलकर रख लें और फिर मैदे की जो पेस्ट बनाई थी बुरश से इस तरह से पूरी रोटी पर लगा दें। किनारों तक सब अच्छी तरह से लगाएं और फिर इसके ऊपर खुशक आटा डस्ट कर देंगे और ऊपर दूसरी रोटी रख दें। किनारों से नीचे वाली रोटी के बराबर करेंगे और इस पर भी बुरश से पेस्ट लगा देंगे। किनारों तक सब पेस्ट लगाएं और ऊपर खुशक आटा डस्ट कर दें।
अब तीसरी रोटी भी ऊपर रखकर किनारों को मिला दें। हल्का हल्का सा फैलाएं, किनारे एक जैसे बराबर हो जाएंगे। इस पर भी पहले की तरह पेस्ट लगाएंगे और खुशक आटा डस्ट कर देंगे। अब इसे किनारों से पकड़कर बारीक और टाइट रोल करेंगे। इस तरह से रोल करते जाएंगे, प्रेस करते जाएं और रोल करते जाएंगे। अब दोनों हाथों से इसे इस तरह से रोल करें ताकि इसकी लेयर फिक्स हो जाए, क्योंकि हमें इसे लेयरदार बनाना है। हाथों से थोड़ा सा इसे मज़ीद खींचकर पतला करेंगे। अब नाइफ से इसकी साइड थोड़ी सी काट देंगे, यहाँ से ज़्यादा बारीक है तो इसे मठरियाँ एक जैसी बनेंगी। आधे आधे इंच तक इसे कट कर लेंगे। सारे रोल को इसी तरह से कट करते जाएंगे, एक ही रोल में बहुत सारी मठरियाँ बन जाएंगी। अब हाथ में पकड़कर इस तरह से इसकी एक जैसी शेप कर लेंगे। सबकी इसी तरह से शेप बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने सबकी शेप एक जैसी कर ली है। अब दोबारा से सरफेस पर थोड़ा सा खुशक आटा डस्ट करके इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं बेलेंगे ताकि लेयर ख़राब ना हो। तो ये देखें, ये इस तरह से इसे बेल लेंगे। एक और इसी तरह से बेलते हैं। तो ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त लेयरदार बनी है और यहाँ पर मैंने सबको इसी तरह से बेल कर रख लिया है। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। पैन में मैंने ऑयल को पहले ही मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। जितनी पैन में इजीली आएंगी एक एक करके डाल देते हैं और फ्लेम मीडियम से स्लो कर देंगे। फौरन चम्मच नहीं लगाना, पहले ये नीचे बैठ जाती हैं, थोड़ी ही देर में ये स्वीम होकर ऊपर आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये ऑयल में ऊपर आ चुकी हैं। अभी भी 20 से 25 सेकंड तक चम्मच नहीं लगाएं। 20 सेकंड के बाद आप चम्मच से सबको फ्लिप कर देंगे। 2 से 3 बार इसी तरह से टर्न अप करेंगे और दोनों तरफ से लाइट गोल्डन कर लेंगे। अब दोबारा इनको पलट देंगे तो आप देखें कि ये दोनों तरफ से लाइट गोल्डन हो चुकी हैं। इन्हें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बाहर आकर ये मज़ीद डार्क होती हैं, इसलिए लाइट गोल्डन करके ही निकाल लें। ज़्यादा डार्क होने से टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। ये दोनों तरफ से लाइट गोल्डन हो चुकी हैं। अब इन्हें एक एक करके एक छलनी में निकाल लेते हैं। बाकी भी सारी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप इन्हें इस तरह से बनाकर 2 से 3 माह तक एक एयर टाइट कंटेनर या फिर जार में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगी, बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार होती हैं। तिल, पालक और सूजी की वजह से ये बहुत मज़ेदार और कुरकुरी बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने सब फ्राई कर ली हैं। माशाल्लाह, देखने में ही बहुत खूबसूरत और क्रंची लग रही हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखें, है ना ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची। ये वाकई बहुत क्रंची हैं, बिल्कुल कुरकुरे की तरह हैं और कितनी इजीली टूट रही हैं। अब इसे टेस्ट करते हैं। वाओ, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपकी फैमिली इसे बहुत पसंद करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।